हमने अभी एक इंसान से डायरेक्शंस पूछी तो उसने क्या बोला मन्नू? बोला बैंकॉक एक ऐसी जगह जो दुनिया भर में अपने ह्यूज स्काईस्क्रैपर्स, ग्रैंड पैलेसेस, टेंपल और कलरफुल लेन्स की वजह से जानी जाती है। थाईलैंड की अपनी 12 डेज लॉन्ग ट्रिप में हमने बैंकॉक में बिताए सिर्फ 2 दिन। ऑल्दो पटाया और फुकेट के कंपैरिजन में ये हमारी सबसे लीस्ट फेवरेट जगह रही, इसका रीजन था यहाँ का क्राउड और ट्रैफिक। और अगर आप भी ट्रिप्स पे हमारे जैसे वेकेशन मोड पे चले जाते हैं तो यू विल नो कि ये दोनों चीज़ें हम वेकेशन पे लीस्ट देखना चाहेंगे। खैर, अगर ट्रैफिक और क्राउड से हट के बात करें तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज प्रिटी गुड। अगर आप अपनी बैंकॉक ट्रिप रिसेंटली प्लान कर रहे हैं तो हेयर आर टॉप 3 थिंग्स दैट यू शुड डेफिनेटली ऐड इन टू योर बकेट लिस्ट। एक्वेरियम से निकल के अब हमारी जो टिकट है उसी में मैडम टुसॉड्स का म्यूजियम जो है, वैक्स स्टैचूज वहाँ पर है, वो भी इंक्लूडेड है, तो अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं? फेसबुक। Then we've got Michael Jackson. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सॉरी पूरा मत मानना। कैसा लग रहा है सर आपको? आपको कुछ भी नहीं मिला, कैसा लग रहा है आपको? तो छोड़ो, बात की बात है, शादी के बाद में तो माइनस में भी चले गए। बंद हो गया क्या? ओफो यहाँ सब कुछ ही क्लोज हो गया है,
क्योंकि हम 9:30 बज रहा है अभी, हमको पहुँचते पहुँचे लेट हो गया, तो सब बंद है और खुला है। चलो ये वाला देखते हैं, है नाम का मॉल, बट एज यहाँ पे सब कुछ ही ऐसा ही है, स्ट्रीट शॉपिंग जैसा होता है ना वैसा। ₹10 के 6 पेयर मुझे 100 बात के, 200 रुपए के पास पर्स में झोले हैं। लेट होने की वजह से ना हमको यहाँ जा रहा कुछ नहीं मिला, जो नीचे हमने थोड़ा बहुत सामान लिया, शर्ट्स ली 4-5, वही चीज़ें मिली, और बाकी प्राइस वगैरह अच्छा है, सस्ता है, हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए बिकॉज बंद हो गया, और हम लेट हुए टैक्सीज की वजह से, क्योंकि इतना झंझट होता है ना यार यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना, अगर आपके पास अपनी स्कूटी नहीं है, टुक टुक्स वगैरह आपको फुल ऑन लूटते हैं, 500 बात मतलब मुँह फाड़ते हैं, बस जो जो उनके मन में आता है वो बोलते हैं, और टैक्सीज वगैरह जो होती हैं वो आने में इतना लेट हो जाता है, पहले तो कन्फर्म होने में इतना लेट होता है, फिर आने में, फिर ट्रांसपोर्ट में इतना टैक्स ट्रैफिक है, तो उसके कारण हम लोग बहुत लेट हो जाते हैं कहीं पर भी जाने के लिए। अब हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है महन खान स्काई टावर, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ पे अपना माइंड रिफ्रेश करते हैं। We have now reached Mahan Nakhon building. देखो कितनी ऊंची है, और I think this is more than 70 floors. तो चलो अंदर जाके देखते हैं। Also it's already 10:30 और 12 बजे जो है close हो जाता है, अभी पता नहीं अंदर क्या खुला होगा क्या बंद होगा, sky वो खुला होगा या नहीं, but let's see. Going downstairs now. इतनी स्पीड से जाता ही है, अब कान इतना जोर से बंद होता है। Oh God. Excuse me, is this a corporate building? Sorry? Corporate or resident building? It's a resident. Resident, okay. Wow. Are we going to go? Okay. Oh my goodness. कान इतना जोर से बंद होते हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1. Is it like a full screen? Mirror.
स्पीड ओ माय गॉड पर मिनट. थैंक यू. हाउ वाज द एक्सपीरियंस बनू? ग्रेट ना. वी हैड लिटिल लेस टाइम. हमारी कल फ्लाइट है बट आई थिंक आप लोग आ रहे हो ना तो 2 घंटा एटलीस्ट गिव टू दिस प्लेस. So with that, we are ending our night and our last day in Bangkok. I hope you guys like this video. अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. And thank you very much for watching. हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो. ऐसे और अमेजिंग वीडियोज आपके लिए बहुत जल्दी आ रहे हैं. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय. Goodbye.